फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फैन टीवी ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको फैन टीवी ऐप से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको फैन टीवी ऐप का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके फैन टीवी ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हो, आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है कि आप कौन से लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे आप वीडियोज देखना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं पांचों सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पांचों लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें सिंपली डन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल का। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। यानी यहीं से आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं अकाउंट क्रिएट करने का। सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर का, यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है गूगल का, तो डायरेक्ट गूगल अकाउंट के थ्रू आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे ईमेल का मिल जाता है। तो ईमेल और गूगल दोनों सेम ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू ही अकाउंट क्रिएट करोगे और गूगल में भी आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू ही अकाउंट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे मैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपली हमें गूगल पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा ईमेल आईडी आ जाएगा। तो जिस भी ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, सिंपली आपको उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप ईमेल आईडी सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट है वे क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फैन टीवी ऐप पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब एडिट बटन पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 260 क्वाइंस मिल जाते हैं साइन अप के। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, अब चलिए हम जानते हैं कि हम फैन टीवी ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। और सभी वीडियोज पे एक आप चीज नोटिस करना कि यहाँ पे आपको क्वाइंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यानी इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे 5 क्वाइंस अर्निंग हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो पे भी 5 क्वाइंस है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक वीडियो है जिसे अगर आप पूरा देखते हो तो आपको यहाँ पे 85 क्वाइंस मिलेंगे। यानी जितने लंबे वीडियोज होंगे उतने ही आपको ज्यादा क्वाइंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वीडियोज वॉच करने हैं, और जैसे ही आप वीडियोज को वॉच कर लेते हो आपको उसके बदले क्वाइंस मिलते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको लाइव अर्निंग करके दिखाता हूँ। चलिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में आपको क्वाइंस का आइकन देखने को मिल रहा है, और उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस वन लिखा है। यानी अगर आप इस क्वाइंस तक वीडियोज को वॉच करते हो तो आपको यहाँ पे एक क्वाइंस मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस क्वाइंस तक वीडियोज वॉच कर लिया हूँ, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो, और यहाँ पे मुझे एक क्वाइंस अर्निंग हो गया। तो इस तरीके से आपको वीडियोज में अर्निंग होंगे क्वाइंस, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको लाइव अर्निंग्स करके भी दिखाया है। अब यहाँ पे जैसे जैसे वीडियोज मैं देखता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे यहाँ पे क्वाइंस अर्निंग होते जाएंगे। इस वीडियोज पे मुझे 5 क्वाइंस टोटल अर्निंग होंगे, ये आपको पहले ही देखने को मिल जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे नीचे आपको और भी वीडियोज देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप वॉच करके यहाँ पे क्वाइंस अर्निंग कर सकते हो। तो ये तो है पहला तरीका कि आप वीडियोज को देखकर यहाँ पे क्वाइंस अर्निंग कर सकते हो। अब चलिए हम जानते हैं फैन टीवी ऐप से पैसे कमाने का दूसरा तरीका। यहाँ पे आपको दूसरा तरीका मिल जाता है ट्रेड। बेसिकली इस ऐप को म्यूजिक ट्रेडिंग के लिए ही बनाया गया है कि आप म्यूजिक को भी ट्रेड कर सकते हो। यानी जो भी न्यू सॉन्ग आते हैं उनमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, और जिस तरीके से वे सॉन्ग ग्रो करेगा यानी उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे, तो आपने जो पैसे उस सॉन्ग में इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे पे रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे चलिए हम ट्रेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरा जो करेंट बैलेंस है वो 0 शो कर रहा है, इन्वेस्टेड अमाउंट भी यहाँ पे 0 शो कर रहा है, और टोटल रिटर्न्स भी यहाँ पे 0 शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक सॉन्ग है और इसका प्राइस है 50 रुपया। तो अगर मैं यहाँ पे 50 रुपया लगाकर इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो ये सॉन्ग जितना चलेगा, जितना ज्यादा चलेगा उतना ही इसके शेयर का जो प्राइस है वो और बढ़ेगा, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे +5 रुपए दिखा रहा है और 11.11% का यहाँ पे रिटर्न्स बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो यानी 5 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया होता तो आपको यहाँ पे 5 रुपए प्रॉफिट होता, और वे प्रॉफिट यहाँ पे टोटल रिटर्न्स में यहाँ पे शो करता। यानी पहले इस सॉन्ग का जो प्राइस होगा वह 45 रुपया होगा, और 5 रुपए बढ़ा है तो यहाँ पे 50 रुपया हो गया है, तो आपको 5 रुपए प्रॉफिट होता। जिस तरीके से आप शेयर मार्केट में शेयर को बाय और सेल करते हो और उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वैसे ही इसमें भी आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते
सकते हो और इसमें भी आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे जिनके रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे कि इन्होंने कितने रिटर्न दिए हैं। अगर आप इन सॉन्ग में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टू डेज का हाई और लो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस सॉन्ग का जो आज का लो था वे 363 रुपया था और जो हाई था वे 367 रुपया और 59 पैसा था। तो जिस तरीके से शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ता है घटता है वैसे ही ये भी काम करता है। अब यहाँ पे सिंपली आप बाय पे क्लिक करके इनके शेयर को बाय कर सकते हो। अब बेसिकली आपको इसे बाय सेल करने के लिए आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब चलिए यहाँ से हम बैक जाते हैं और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अपना केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अब बेसिकली आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको ऊपर एक क्वाइंस का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंप्लीट केवाईसी का। सिंपली आपको यहाँ पे आइडेंटिटी चेक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले मोबाइल नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है और यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ओटीपी आ गया है। अब चलिए हम इसे फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने पास पैन कार्ड और आधार कार्ड रख लेना है और ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड रखना है और उसका आपको फोटो ले लेना है और मोबाइल में रख लेना है। और यहाँ पे ये क्लियर बताया जा रहा है कि जिसका आईडी है उसी व्यक्ति का यहाँ पे सेल्फी आपको अपलोड करने होंगे। और यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, तो आपको पहले वेट करना है और देखना है कि आपका यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप म्यूजिक में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ से डायरेक्ट पैसे भी विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अब चलिए यहाँ से हम बैक जाते हैं। अब फ्रेंड्स म्यूजिक में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पैसे ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वैलेट बैलेंस का और यहाँ पे आपको सामने मिल जाएगा ऑप्शन ऐड मनी। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने पैसे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं फैन टीवी ऐप से पैसे कमाने का तीसरा तरीका। यहाँ पे आपको तीसरा तरीका मिल जाता है फैन टीवी रेफर एंड अर्न, यानी आप फैन टीवी ऐप को रेफर करके पैसे कमा सकते हो। सिंपली आपको 3 लाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रेफर एंड अर्न, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप फैन टीवी ऐप को रेफर करते हो और आपका फ्रेंड्स आपके रेफरल लिंक के थ्रू फैन टीवी ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो आपको यहाँ पे 10 रुपए मिल जाएंगे प्लस यहाँ पे आपको 25 क्वाइंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे आपका जो रेफरल लिंक है वे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करके आप अपना रेफरल लिंक किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्ट यहीं से व्हाट्सएप पे इसे शेयर कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप किसी भी सोशल मीडिया पे डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हो। अब चलिए इसे हम कट करते हैं। तो इस तरीके से आप फैन टीवी ऐप को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो। अब फ्रेंड्स मान लो कि यहाँ पे हमने क्वाइंस अर्न कर लिया है तो हम उस क्वाइंस को विड्रॉ कैसे करेंगे, यानी पैसे में कन्वर्ट करके उसे हम विड्रॉ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिवार्ड्स का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे रिवार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वाइंस को पैसे में विड्रॉ कर पाओगे अपने बैंक अकाउंट में। यहाँ पे 1200 क्वाइंस बराबर आपको 10 रुपया मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है और फिर भी आप अपने क्वाइंस को रिडीम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट उस क्वाइंस को पैसे में तो रिडीम नहीं कर सकते हो, बट उसके बदले आप यहाँ पे वाउचर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप अमेजोन का वाउचर ले सकते हो। यहाँ पे आपको और भी नीचे ब्रांड डील्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप रिडीम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके पास 1300 क्वाइंस है तो आप अमेजोन का 10 रुपया का जो वाउचर है वे ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे जो ब्रांड डील्स है उसमें भी यहाँ पे आपको क्वाइंस देखने को मिल जाएंगे कि आपको कितने क्वाइंस पे करने होंगे। तो यहाँ पे आप वाउचर ले सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे आपको डेली स्पिन व्हील का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्वाइंस को लगाकर स्पिन कर सकते हो। इसमें आप 2500 रुपए तक विन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है। तो ये 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, इसमें से आपको कोई भी अमाउंट मिल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एक स्पिन का 500 क्वाइंस यहाँ पे करने होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे डेली स्पिन के। अब यहाँ पे आपको डेली स्लॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट किया है, वही इसका फायदा उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको फैन टीवी ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो।
मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।